आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट नेटवर्क, आपके साथ आपकी आवाज। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अस्सलाम वालेकुम। नेशनल सिक्योरिटी एंड एंटी करप्शन क्राइम प्रिवेंटिव ब्रिगेड से मैं नदीम खान न्यूज फर्स्ट चैनल को ईद मुबारक। नेशनल सिक्योरिटी एंटी करप्शन क्राइम प्रिवेंटिव ब्रिगेड के सभी पदाधिकारियों को ईद मुबारक। और इस देश भारत की सारी जनता को ईद मुबारक। आज ईद का दिन है और बहुत दुख के साथ कह रहा हूँ, कोरोना महामारी जो हमारे देश में चल रही है, कई लोगों की रोजी रोटी, कई लोगों के काम काज, बहुत सी चीज़ों में तकलीफें आ चुकी है। मेरे मुसलमान भाइयों से मेरी गुजारिश है कि ईद का दिन है, घर में नमाज अदा कर सकते हैं, महामारी है, कानून का उल्लंघन ना करें, कानून को ना तोड़ें। महाराष्ट्र शासन ने जो कानून लगाया है उसका पालन करें, सोशल डिस्टेंस पर अमल करें और लोगों को इस महामारी से सुरक्षित रहने की सलाह दें और खुद सुरक्षित रहें। जैसे कि मैं कहता हूँ कि आज हम इस महामारी के अंदर ईद का त्यौहार बना रहे हैं, हमने शॉपिंग की, कपड़े लिए, बहुत सी चीज़ें खर्च फजूल कर दिए और बहुत से लोगों के पास नहीं है, जो बेचारे नहीं कर पा रहे। मेरी हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने पड़ोसियों को देखें, जिनके घर में परेशानी है उन पर ध्यान दें, अपने बच्चों को इस कदर कपड़े पहनाएं या कोई चीज़ ऐसे बच्चों को अगर दे रहे हैं तो उसे इस तरीके से दे कि किसी गरीब के बच्चों को देख के वो दुख ना हो, उसके दिल में तकलीफ ना हो, वो गुर्बत का शिकार ना बन जाए, वो गुर्बत एहसास ना करे। ये भारत देश है हमारा, इस देश के अंदर भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत, एकता, इसका बहुत महत्व है। और अपना इस्लाम किसी को नीचा गिराना नहीं सिखाता, अपना इस्लाम लोगों की मदद करना सिखाता है। तो अपने से गरीबों के घर के अंदर आज का दिन राशन दे, जिनके घर में सेवैयाँ नहीं बनी है उनकी सेवैयाँ, उनके घर में सेवैयाँ दे, सेवई बनवाएं। बस मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोगों की मदद करें और इस महामारी में डटकर इसका सामना करें। अल्लाह से दुआ है, ईश्वर से दुआ है कि ये कोरोना की महामारी जल्द से जल्द इस देश से हट जाए, सारी दुनिया से हट जाए, सब पहले जैसे नॉर्मल हो जाए, सब अपने अपने घरों में खुशहाली से जिए, बच्चों की एजुकेशन चालू हो जाए, लोगों की परेशानियां दूर हो जाए। और जो आगे साल मेरे साथ थे इस त्यौहार में, आज नहीं है, हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, बेचारे कोरोना की महामारी में मेरे दोस्त और इस देश की जनता जो इस महामारी में मृत्यु हो गई, वो शहीद हो गए, उनके लिए दुआ करें, उनके घरों के लिए दुआ करें कि अल्लाह उनके घरों को, उनके उनको सब्र करने की ताकत अता फरमाए। बस मैं इतना ही कहूँगा। और मेरे नेशनल सिक्योरिटी एंड एंटी करप्शन क्राइम प्रिवेंटिव ब्रिगेड के सभी पदाधिकारियों से मैं ईद की मुबारकबाद कहता हूँ। अपने बच्चों का अपना ख्याल रखें, न्यूज़ फर्स्ट चैनल
एक बहुत बेहतरीन चैनल है जो सच्ची और बहुत अच्छी खबर दिखाता है। मैं इस चैनल को भी ईद मुबारक की बधाई दूंगा। श्री ओम प्रकाश मिश्रा जी, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।